बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते शुरू। तो जी आज हमारी बारात का फंक्शन है। जैसा कि आपको पता होगा हमारी दुल्हन जो है पार्लर जा रही है तैयार होने, तो उसकी वीडियो जो है ना इधर हो ना पूरा तो जी दुल्हन को जो है ना बेच के मैं आ गई हूँ जी ऊपर। अब जा रही हूँ तो भाभी रुकैया ईमान पार्लर जा रही है तैयार होने। वो तैयार होकर आएंगी तो फिर मैं जाऊँगी तैयार होने। आज मैं भी पार्लर से तैयार होंगी। तो जी फाइनली दुल्हन जो है ना वो पार्लर से रही है तैयार होने। और आज का जो मेरा ड्रेस है ना वो ये है। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, नीचे साथ में गरारा है और साथ में ये फ्रॉक है। तो अभी जो है ना मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह भी निकाली है। अलमारी को ताला लगा। तो जी फाइनली ये सारी जो ज्वेलरी है ना ये निकाली है मैं। ये मेरा सेट है, ये करें हैं और ये रिंग्स वगैरह हैं ये। तो ये सारी ज्वेलरी जो है वो भी मैंने निकाल ली है। और बस अब भाभी आएंगी ना तैयार होके, तो फिर भाभी के बाद मैं पलट जाऊँगी तैयार होने के लिए। तो जी फाइनली पायलट से तैयार होकर मैं आ गई थी और अभी हम लोग कोच में बैठ गए हैं। हम बस निकलने लगे तो बस अब होटल जाती है तो वहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ और साथ में आपको अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ। तो जी फाइनली हम लोग जो है हाल में पहुँच गए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं यहाँ पर। बारात हमसे पहले आ गई है तो अभी फटाफट से जाते हैं और अपनी जो है रस्म वगैरह ना। तो जी फाइनली हम लोग जो है ना पहुँच गए। तो जी फाइनली हाल में मैं पहुंच गई हूँ और ये टोटल जो स्टेज है और यहाँ पर सारे बैठेंगे। भाई और पापा का भी यहाँ पर फोटोशूट हो रहा है और यहाँ पर आप लोगों को तीन ब्राइड्स में एक फ्रेम भी मिलेंगे। तो जी दो ब्राइड्स जो है रेडी होकर माशाल्लाह इधर आ गई हैं। दो बरात की ब्राइड्स हैं हमारी और एक वलीमे की ब्राइड है। वलीमे की ब्राइड से भी भिजवाती हूँ। तो जी ये है जी मेरी टोटल फुल लुक। तो जी फाइनली वलीमे वाली जो ब्राइड है उसकी एंट्री जो है ना अब होने लगी है। तो अब ये सारा जो सेटअप है उनके लिए लगाया गया है, उनकी अब एंट्री होगी। उसके बाद जो बारात की दोनों ब्राइड्स हैं सारी रस्में वगैरह पूरी करने के बाद फिर दोबारा से उनकी जो है ना एंट्री की जाएगी। तो जी फाइनली हमारा तो झूला ना वो आकर बैठ गया। अब हमने रस्म वगैरह जो है वो करनी है तो अब उसकी वगैरह तैयारी कर लेते हैं। दूध पिलाई की रस्म है तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं साथ साथ में दिखाती हूँ। तो जी फाइनली खाना जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। बरातें भी आ गई हैं दोनों की दोनों और वलीमे की एंट्री भी हो गई है। तो अभी स्टार्टर में सबको सूप सर्व किया है। तो अभी यहाँ पर सब जो जेंट्स हैं ना और लेडीज सूप पीने में इंजॉय कर रहे हैं तो वो बिजी हैं। तो अभी साथ साथ जो है ना बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई है यहाँ पर क्योंकि दो बराते हैं एक वलीमे, तो उस हिसाब से बहुत गैदरिंग है। अनाया अनाया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम।
तो जी माशाल्लाह दोनों जो है इधर मिल रखे हैं और माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और अभी जो है ना बाहर रस्में वगैरह होने लगी हैं, तो अभी आप लोगों को वो बाहर की रस्म वगैरह भी दिखाती हूँ। तो जी फाइनली स्टेज पर मैं लगवा लिया है तो सोपी है, और अभी जो है ना यहाँ पर सारे कज़न्स वगैरह जो स्टेज पे आ गए, और ये मेरा आशीर कज़न है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है टेबल पर। रशियन सैलड है, राइस है, कोरमा है, नान है, और मीठे में केक हलवा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी है, सारी सारी चीज़ें मैं आपको ना बारी बारी दिखाती जाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है हमारे पास इसलिए। तो जी मेरे से तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा, गले में बहुत ज़्यादा पेन है, नोज़ भी ब्लॉक हुआ है, लेकिन बाकी सारे बहुत मज़े से खाना खा रहे हैं। असद भाई, फहीम भाई, बाकी के कज़न्स सब जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जी जेंट्स की तरफ जो है ना उधर भी खाना खुल गया, और माशाल्लाह कितना रश है, इतनी गैदरिंग है ना इधर, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा किसी भी टेबल पे। तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर टेबल पे जाके पूछें कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैदरिंग है, इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दो बराते हैं, एक वलीमा है, सारे गेस्ट हैं इसलिए। तो जी फाइनली रुकैया की एंट्री होने लगी है, रुकैया को पापा और भाई लेकर आए हैं। अभी उसको स्टेज पर वो नीचर होने लगा है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स जो है वो होने लगे स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है एक लड़की के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो जी फाइनली ब्राइड जो है ना आके स्टेज पर बैठ गई है, और अब जो है दूध पिलाई की रस्म वगैरह करते हैं, खाना शाना खा के सब लोग जो है ना फ्री हो गए। तो जी फाइनली स्टेज पे रुकैया को हमने बिठा दिया, मैंने ना दूध का जो गिलास है ना वो रेडी कर दिया, तो अभी इसकी लाइट वगैरह भी चलाती हूँ, तो फिर अभी दूध पिलाई की जो रस्म है ना हम लोग वो कर। नहीं पहले इधर आएंगे आप, तो डिमांड तो करो 40,000 6 साल या 60,000 रुपया, 10,000 रुपया फी तेरी ये साल 3%60,000 कडो हां जिस चीज की बातें थी ना वो रात है और हो गया था आपने। नहीं नहीं मामू से करो सिफारिश डालो, नहीं चाहिए सिफारिश डालो, नहीं बहुत हो रही है तो जी फाइनली दूध पिलाई की जो रस्म है ना उससे हम लोग फ्री हो गए हैं, और अब मैंने अपने पास ना कुरान पाक रख लिया, क्योंकि अब रुखसती का टाइम हो गया है, तो अभी फटाफट रुखसती करते हैं। बेबी बाजी बेबी तो जी फाइनली रुखसती जो हो गया, बुलबुल के पास ही जा रहे हैं। तो
आज ही फाइनली दुख सती वगैरह से फ्री होके हम लोग आ गए घर। बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया था, इसलिए मैं ना व्लॉग कैप्चर नहीं कर सकी। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देने, लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, मैं ब्लैंकेट पे लेट गई हूँ, अब बस रेस्ट करने को मन हो रहा है। तो आपसे अगले फंक्शन में मिलेंगे, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़े मज़े के फंक्शन आप लोग इन्जॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज़।